नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे का, जो एसआई और कांस्टेबल का अभी नोटिफिकेशन आ चुका है इसका। देखेंगे इसमें कितना फॉर्म, टोटल वैकेंसीज हैं और बाकी क्या क्या क्राइटेरिया है इसका, वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्या सिलेबस है? देखिए, इसमें आपका दिया है दो चीज़ों का है, एसआई और कांस्टेबल के लिए। रेलवे के अंदर वैकेंसी टोटल कितना है तो वो दिया है, जो आपका कांस्टेबल के लिए वो 2000 है, कांस्टेबल के लिए 2000 वैकेंसी, और आपका एसआई के लिए जो कि आरपीएफ के अंदर एसआई का जो है 250 है, यानी कि टोटल अगर देखें 2250 है इसमें वैकेंसीज। 2000 आपका कांस्टेबल का है और 250 जो है एसआई का है। इसमें देखिए 10% जो वैकेंसीज है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, 15% वैकेंसी जो है वो वुमेन्स के लिए ये रिजर्व है पहले से ही। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या होगा रिक्रूटमेंट का, तो फेज वन होगा, फेज टू होगा, फेज थ्री होगा। फेज टू वन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी। उसके बाद फेज टू आपका फिजिकल टेस्ट होगा। बाकी कितना कितना इस पर लंबाई और वो सारी चीज़ें हैं वो अभी देख लेंगे। और फेज थ्री में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें हैं, यहाँ से ये आपके काम का चीज़ नहीं है, यहाँ से नीचे देख लेते हैं। ये दिया है एज, अगर लिमिट देखें तो आपका एसआई के लिए आपका मिनिमम 20 साल मांगा है, मतलब 20 वर्ष, और मैक्सिमम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं कांस्टेबल के लिए आपका 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 25 वर्ष। एक इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि आप स्नातक होना चाहिए, और कांस्टेबल के लिए 10th पास या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी है आपका, जो देखिए यहाँ पे दिया है एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल। ऑन रिजर्व ईडब्ल्यूएस यहाँ से देखिए ये अलग से दिया है कि जो कहाँ के हों, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हों, तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया है ऑन रिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल का छूट, और ओबीसी 8 साल, और एससी एसटी के लिए 10 साल। बाकी यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं आपका, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रिजर्वेशन के लिए दिया है, उसके मतलब एज रिलैक्सेशन के लिए। फिजिकल मेजरमेंट में क्या चाहिए, ऑन रिजर्व और ओबीसी के जो है उनके लिए मेल कैंडिडेट का हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए 157। और चेस्ट देखें तो अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुला के 80, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। वहीं एससी एसटी का हाइट आपका 160 और फीमेल का 152 सेंटीमीटर, और बाकी आपका चेस्ट जो है सीना वो 76.2 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाना है, तो 81.2। बाकी गोरखा मराठी तो डोंगरा इन लोगों के लिए आपका हाइट 163 सेंटीमीटर और 155 फीमेल के लिए। ये तो है आपका जो फिजिकल टेस्ट के है उसके लिए। बाकी एग्जामिनेशन फीस अभी फॉर्म जब ऑनलाइन होगा तो उस समय आपको पता चल जाएगा कितना लग रहा है इसका। अभी इसका ये केवल नोटिस जो है वो आया है, इसमें फॉर्म का अभी दिया नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं ये अलग अलग टाइम कितना आपको मिलेगा, तो एसआई के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा, टोटल 120 क्वेश्चन करना रहेगा। कांस्टेबल के लिए आपको वही 90 मिनट इसके लिए मिलेगा, 120 क्वेश्चन इसमें भी है। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, अरिथमेटिक से 35 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन है। टोटल 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है आपका, चाहे आप कांस्टेबल के लिए भरेंगे चाहे एसआई के लिए भरेंगे। बाकी यहाँ डिटेल सिलेबस दिया है, आप देख सकते हैं डाउनलोड करके इसको, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा इसी के कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं पूरा इसका डिटेल जो ये दिया है। बाकी यहाँ पर भी अभी यहाँ से हाँ ये देख सकते हैं आपका एसआई के लिए आपको 1600 मीटर का रनिंग चाहिए 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको, और बाकी ये लॉन्ग जंप 12 फीट आपका है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। वहीं आपका अलग अलग कैटेगरी का भी देख सकते हैं, कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड ये आपको है, और फीमेल के लिए भी दिया है 3 मिनट 40 सेकेंड। तो ये आप अपना डाउनलोड करके देख लीजिए कितना कितना है फिजिकल टेस्ट के लिए। बाकी का कुछ अब देखिए, फिजिकल टेस्ट दिया है कि ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसके लिए कोई मार्क आपको नहीं मिलेगा, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा फिजिकल टेस्ट का, ये केवल आपको पास करना है, उसका कोई नंबर इसमें नहीं जुड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा, आपका पहला टेस्ट जब हो जाएगा तो रिटर्न और फिजिकल के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी यहाँ से ये दिया है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितना चाहिए, तो एसआई के लिए आपको टोटल 120 नंबर है, इसमें आपको अगर अनरिजर्व और ओबीसी से हैं तो आपको 42 नंबर कम से कम चाहिए, इससे कम पे आप फेल हो जाएंगे।
वहीं एससी एसटी का आपको कम से कम 36 नंबर लाना ही पड़ेगा, इससे नीचे आप फेल माने जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग इतना आपको लाना है जो कि टीयर वन होगा उसमें। कांस्टेबल के लिए देखें तो इसमें भी वही है, आपका 120 क्वेश्चन में आपको अनरिजर्व ओबीसी के लिए 42 नंबर कम से कम लाना ही है और एससी एसटी के लिए 36 नंबर कम से कम लाना है, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे पहले ही। तो ये तो है अभी के अपडेट, देख लेते हैं और कुछ यदि इसमें है तो। बाकी सीट ठीक ठाक है, भर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे रेलवे के हिसाब से। आपको पता है रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है, इसीलिए लोग इसका इंतजार करते रहते हैं बहुत पहले से। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसका तैयारी में लगे रहते हैं। तो ये था अपडेट आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।